दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से बिजी अकाउंटिंग एप्लीकेशन के अंदर परचेज वाउचर की एंट्री पास कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से परचेज वाउचर की एंट्री पास करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों का ही आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने पहले से ही अपने लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं और पहले से ही आपके स्टॉक आइटम्स क्रिएट हैं तो आप किस तरीके से एंट्री पास करेंगे। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप एक नया आइटम क्रिएट करने वाले हैं एंट्री करते समय और या फिर आप एक नया लेजर क्रिएट करने वाले हैं एंट्री करते समय और साथ के साथ वहां पर जीएसटी का किस तरीके से आप सेटअप करेंगे, ये टोटल एंट्री आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप कोई भी स्टेप यहाँ पर मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाउचर की एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है बिजी में ट्रांजेक्शन पर। ट्रांजेक्शन पर जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपके सामने परचेज वाउचर आपको यहां पर दिखाई देगा। आपको इस परचेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। परचेज वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पर तीन ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन आप यहां पर देख सकते हैं ऐड का आपको मिलेगा, दूसरा मॉडिफाई का और तीसरा लिस्ट का। तो हमें ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐड वाले ऑप्शन पर जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने परचेज वाउचर की विंडो ओपन हो जाएगी और यहां पर हमें अपने वाउचर की एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं डेट आपको यहां पर दिखाई दे रही है, जो भी आपकी परचेज डेट होगी वो आपको यहां पर फिल कर देनी है। फिलहाल हम यही डेट रखते हुए यहां पर आगे बढ़ेंगे। एंटर प्रेस करते हुए आप यहां पर देख सकते हैं आपको वाउचर नंबर आपसे मांगा जा रहा है, यानी जब आपने गुड्स को परचेज किया था उस समय आपको जो बिल मिला था उस बिल का जो इनवॉइस नंबर होता है वही आपका वाउचर नंबर होता है। तो वो नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर फिल कर देते हैं EX12345 और इसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो परचेज टाइप है वो क्या है, वो सेंट्रल है या फिर आपका लोकल है। अगर आप यहाँ पर गुड्स को किसी अदर स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेंट्रल सेलेक्ट करना होगा, और अगर आप इसे सेम स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर लोकल सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर एल टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकल में 12%, 18%, 28% और 5% आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है लोकल आइटम वाइज। आप चाहें तो लोकल मल्टी रेट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर लोकल आइटम वाइज रेट को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पार्टी मांगी जा रही है कि कौन सी पार्टी से आपने गुड्स को परचेज़ किया था। अगर आपने इसका लेजर अपनी कंपनी में पहले से क्रिएट कर रखा है तो आपको केवल अपने कीबोर्ड से स्पेस को प्रेस करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सभी लेजर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पर अपनी पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं किया हुआ है तो उस केस में आपको यहाँ पर अपना लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पर इसे करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर दीपक के नाम से एक लेजर पहले ही बनाया हुआ है जो कि अंडर ऑफ सिंड्री क्रेडिटर है, यानी ये हमारी पार्टी है जिससे हम गुड्स को परचेज करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर दीपक को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वार्निंग दी जा रही है कि यू आर एंटरिंग टैक्स इन्वॉइसिंग फॉर एन अनरजिस्टर्ड पार्टी, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमने दीपक को अनरजिस्टर्ड के अंदर रखा हुआ है, क्या आप यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पार्टी को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम इसे यस को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा ITC एलिजिबिलिटी का, और यहां पर आपको सेलेक्ट करना है इनपुट गुड्स एंड सर्विस। तो हम यहां पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए यहां पर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपसे नरेशन मांगी जा रही है, यानी अगर आप कोई नरेशन देना चाहते हैं तो यहां पर आप फिल कर सकते हैं। फिलहाल हम नरेशन को स्किप करते हुए यहां से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपसे आइटम मांगा जा रहा है, यानी कौन से गुड्स को आपने यहां पर परचेज किया है। अगर आपने आइटम का लेजर पहले से ही बिजी में क्रिएट किया हुआ है तो आपको अपने कीबोर्ड से केवल स्पेस को प्रेस करना होगा। उस केस में आप यहां पर देख सकते हैं आपके जितने भी आइटम्स होंगे वो आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे। तो मान लीजिए हम यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं iPhone 15 को, और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं उसका जो प्राइस है वो यहां पर हमने पहले से ही लेजर्स के अंदर सेटअप कर रखा था जो यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं टोटल अमाउंट अभी यहां पर शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने अभी यहां पर कोई भी क्वांटिटी फिल नहीं की है। इसके बाद यहां पर मान लीजिए हम एक क्वांटिटी फिल कर लेते हैं, मान लीजिए हमने यहां पर 10 पीसेस ले लिया। 10 पीस को लेते हुए जैसे हम यहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो टोटल अमाउंट है वो यहां पर हमें रिफ्लेक्ट कर गया। इसी तरीके से अभी आप यहां पर देख सकते हैं हमारे जो CGST और SGST टैक्स है वो अभी आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। हम एंटर करके जैसे यहां पर आगे बढ़ेंगे तो उस केस में आप यहां पर देख सकते हैं हमने यहां पर 18% का टैक्स यहां पर लगा रखा था, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9% आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं SGST टैक्स यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9% आपको यहां पर दिखाई दे रहा है।
टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, फाइनल अमाउंट आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो उस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका फाइनल अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और उसी के अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में भी आपको यहाँ पर आपका टैक्स अमाउंट दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने गुड्स के ऊपर क्या सेस टैक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर डिस्काउंट को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर डिस्काउंट को ऐड करने वाले हैं। डिस्काउंट को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने परसेंट का आप यहाँ पर डिस्काउंट देना चाहते हैं, उतना परसेंट अमाउंट आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पर बिना कुछ डाले एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अमाउंट पर जम कर जाएंगे। अगर आप यहाँ पर पार्टिकुलर अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप चाहें तो डायरेक्टली अमाउंट भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 1% का डिस्काउंट देना चाहते हैं तो 1 टाइप करते ही जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1% के हिसाब से 12,000 रुपये का यहाँ पर इसे डिस्काउंट मिल गया। अगर आप 12,000 रुपये का डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं केवल इसे 5,000 रुपये का डिस्काउंट देना, तो उस केस में आपको यहाँ पर इस वैल्यू को क्लियर कर देना होगा स्पेस प्रेस करते हुए, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप कर देना है 5,000। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो अमाउंट होगा 5,000 आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो अमाउंट है डिस्काउंट के साथ साथ आपका 11,95,000 का आपको अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। तो दोस्तों इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर इसे सेव कर सकते हैं। सेव वाले बटन पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपको केवल यस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर यस करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका परचेज बिल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं परचेज बिल डेट भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपको केवल यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी गई है। इसके बाद आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करके वापस से यस पर क्लिक करके आप इस एंट्री को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इसका इनवॉइस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे तो उस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ परचेज वाउचर का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको ऑल को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि किस डेट से किस डेट का आप ट्रांजेक्शन यहाँ पर देखना चाहते हैं। उसको सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर एंटर करके नीचे की तरफ ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था आईफोन 15 का वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ट्रांजेक्शन था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ पर कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है। कंट्रोल पी प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा परचेज इनवॉइस का, दूसरा इन्वेंट्री वाउचर का, और तीसरा अकाउंट वाउचर का। तीनों में से आप जिस चीज़ का भी प्रीव्यू देखना चाहें उस पर आप सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर परचेज इनवॉइस का यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो उसको सेलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्मेट है वो आपसे मांगा जा रहा है कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं या फिर एक SMS फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। नंबर ऑफ कॉपी आपको कितनी चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करके आप यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर प्रीव्यू को सेलेक्ट करते हुए जैसे आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका इनवॉइस यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके इनवॉइस के ऊपर यहाँ पर आपको वाटरमार्क भी दिखाई दे रहा है। जब आप इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर परचेज कर लेंगे तो उस केस में यह वाटरमार्क यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप परचेज वाउचर की एंट्री यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्रांजेक्शन में हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से परचेज वाउचर की एंट्री पास कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से ही सभी लेजर्स यहाँ पर बने हुए हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी लेजर नहीं है और डायरेक्टली आप नई पार्टी क्रिएट करना चाहते हैं और नए आइटम्स को भी आप यहाँ पर क्रिएट करके डायरेक्ट एंट्री पास करना चाहते हैं, तो उस एंट्री को आप किस तरीके से पास कर पाएंगे आइए जानते हैं। इसके लिए हम यहाँ से क्रॉस करके बाहर आ जाएंगे, स्केप करके पीछे आ जाएंगे, और पीछे आने के बाद वापस से हमें आना है ट्रांजेक्शन के ऊपर, और यहाँ पर हमें वापस से ऐड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ऐड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको वाउचर नंबर फिल करना है, तो हम यहाँ पर EXP टाइप करते हुए यहाँ पर वाउचर नंबर फिल कर लेते हैं एक एग्जांपल के लिए। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको लोकल आइटम वाइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पर सेंट्रल आइटम वाइज को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम जैसे ही यहाँ पर सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल आइटम वाइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको सेलेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपकी जो पार्टी है वो एक नई पार्टी है जिससे आपने गुड्स को परचेज किया है और उसका लेजर आपके अकाउंट में यहाँ पर क्रिएट नहीं है, तो उस केस में आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F3।
F3 प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एड अकाउंट मास्टर की एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको अपने लेजर्स को क्रिएट करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर जो लेजर क्रिएट करने वाले हैं वो क्रिएट करने वाले हैं आदित्य कॉरपोरेशन के नाम से, और उसके बाद यहाँ पर हम इसे एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। अंडर ऑफ ग्रुप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर स्पेस प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सभी अंडर ऑफ ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम टाइप करेंगे SUN टाइप करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंडी क्रेडिटर और सिंडी डेबिटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर सिंडी क्रेडिटर को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि जो सिंडी क्रेडिटर होता है उसी से हम गुड्स को परचेज करते हैं, और जो हमारा सिंडी डेबिटर होता है वो हमारा कस्टमर होता है जिसको हम गुड्स को बेचते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस फिल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हम फिलहाल इन सभी चीज़ों को यहाँ पर स्किप करके आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का एड्रेस फिल कर देना है, तो रेंडमली हम यहाँ पर एक एड्रेस को फिल करने वाले हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए अपनी कंट्री को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली स्टेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम अपना स्टेट को चेंज करने वाले हैं। तो स्टेट हम यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं, मान लीजिए गोवा। गोवा को लेते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कोड यहाँ पर चेंज हो चुका है, 07 की जगह यहाँ पर 30 आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर स्टेट का अपना अलग अलग कोड होता है। GST नंबर के जो शुरुआत के 2 डिजिट्स होते हैं उन्हीं डिजिट से हमें पता चलता है कि हमारी जो GST है वो कौन से स्टेट की है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ डीलर। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने जो ट्रांजेक्शन की थी वो अनरजिस्टर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट किया था, तो हम यहाँ पर रजिस्टर को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो डीलर है वो अपनी GST R1 को कब फाइलिंग करता है, मंथली या फिर क्वार्टरली। मान लीजिए आपको नहीं पता तो यहाँ पर आप नॉट नाउ को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी पार्टी का GST नंबर फिल करना होगा, तो रेंडमली हम यहाँ पर एक GST नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर रेंडमली एक GST नंबर फिल कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं पेन डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो वैलिडेट भी इसे कर सकते हैं। जैसे आप वैलिडेट GST ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो GST होगा ये यहाँ पर वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसकी सभी इन्फॉर्मेशन दिखाई दी जाएगी कि ये जो आपका GST नंबर है वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो हमने यहाँ पर रेंडमली एक GST नंबर उठाया है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नाम से यहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो फिलहाल हम इसे यहाँ पर क्विट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका टिन नंबर, वार्ड नंबर, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करते हुए यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पर दिखाई देगा मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग, तो इसको आपको यस रखते हुए एंटर प्रेस कर देना है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर के प्लेलिस्ट में इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके समझ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसे एंटर करके सेव करने वाले हैं। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे यहाँ पर ITC एलिजिबिलिटी मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करना है इनपुट गुड्स एंड सर्विस, और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो आप यहाँ पर इसकी नरेशन टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम नरेशन को स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एक नया आइटम क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर F3 वापस से प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर एक नया आइटम क्रिएट कर लेते हैं M126NW, एक प्रिंटर है, तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ग्रुप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको अपना एक ग्रुप क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो F3 प्रेस कर सकते हैं, और या फिर अगर आपका ग्रुप बना हुआ है तो यहाँ से अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर F3 प्रेस करते हुए एक नया ग्रुप यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया HP प्रिंटर, उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको प्राइमरी ग्रुप को यस करते हुए एंटर प्रेस कर देना, और यहाँ पर आप चाहें तो अपना HSN नंबर और अपनी टैक्स कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर ग्रुप के अंदर कोई भी टैक्स और कोई भी HSN नंबर फिल करने वाले नहीं है, हम सीधे सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे यूनिट यहाँ पर मांगी जा रही है, तो यहाँ पर स्पेस प्रेस करते हुए आप यहाँ पर अपनी यूनिट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं पीसीस को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। क्वांटिटी में हम यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी फिल नहीं कर रहे हैं। टैक्स कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपको अपना टैक्स सेलेक्ट करना है कि कितने परसेंट का आपका टैक्स यहाँ पर लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर टैक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 12% को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपने आइटम का HSN नंबर फिल करना होगा, तो हम यहाँ पर अपने आइटम का HSN नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 8443, और उसके बाद आप चाहें तो इसे भी यहाँ पर वैलिडेट को सेलेक्ट करते हुए चेक कर सकते हैं। हम जैसे 3 डॉट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको और भी कैटेगरीज दिखाई देंगी, जिसमें आप अपने बहुत सारे HSN नंबर को यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप करते हुए यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर HSN नंबर वेरीफाई हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंटिंग मशीनरी के नाम से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पर वैलिड है। तो यहाँ पर हम इसे क्विट को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे।
इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका सेल प्राइस, परचेज प्राइस, ये सभी डिटेल्स आपसे यहाँ पे मांगी जा रही है, तो आप यहाँ से इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर प्राइस को डाल देते हैं तो एंट्री करते समय आपको यहाँ पर प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम परचेज या फिर सेल करते हैं तो उस केस में इसका जो प्राइस होता है वो अप एंड डाउन होता रहता है। तो इस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी डिटेल्स को आप यहाँ पर फिल मत करिए, इसे फिलहाल स्किप करते हुए आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस का भी आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और परचेज का भी यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों ही ऑप्शन को यहाँ पर आप स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफाई सेल अकाउंट और स्पेसिफाई परचेज अकाउंट का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों ऑप्शन को फिलहाल हम यहाँ पर नॉट रजिस्टर्ड रखते हुए यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप अपने आइटम के ऊपर कुछ डिस्काउंट सेटअप करना चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको केवल इसे सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका आइटम यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कितनी क्वांटिटी आपने परचेस की है वो क्वांटिटी आपको यहाँ पर फिल करते हुए एंटरप्राइज कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यूनिट में पीसीस आ चुका है, यहाँ पर आपको प्राइस डालना होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 25,000 डालते हुए यहाँ पर एंटरप्राइज करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पर 25,000 आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं हमारा GST हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर एक बार और एंटरप्राइज करेंगे तो उस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं IGST आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमारा 12% है, जो कि 3,000 रुपये यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका अमाउंट जो होगा वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, यानी 25,000 से सीधे 28,000 रुपये आ गया, जिसमें टैक्स हमारा इंक्लूड हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका टैक्स अमाउंट भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपका जो परसेंटेज है वो 12% है। टोटल टैक्सेबल अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 25,000 रुपये और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका IGST 3,000 रुपये है। इसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो इसके ऊपर भी डिस्काउंट सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करके केवल स्पेस प्रेस करना है, एंटर प्रेस करिए और यहाँ पर मान लीजिए हम 1% का डिस्काउंट देते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो 280 का आपका यहाँ पर डिस्काउंट बन चुका है। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर 5% का भी डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 5% का डिस्काउंट ऐड करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो टोटल अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26,600 रुपये आपका टोटल अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करते हुए इसे यहाँ पर सेव कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका परचेज बिल नंबर और आपका परचेज बिल डेट दोनों ही आपको दिखाई देगी, आपको केवल ओके बटन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो एंट्री है वह यहाँ पर सेव हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल बाय बिल एडजस्टमेंट अकाउंट भी आपका यहाँ पर दिखाई देगा, इसको आपको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर ओके कर देना है और यहाँ पर भी आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपकी एंट्री यहाँ पर पास हो चुकी है। अब मैं वापस से इसका आपको बिल दिखाना चाहूँगा, उसके लिए आपको यहाँ से स्कैप करके बाहर आ जाना है, लिस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, स्क्रीन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑल को सेलेक्ट करते हुए एंटर करके इसे यहाँ पर या तो आप चाहें F2 प्रेस कर सकते हैं या फिर आप चाहें ओके वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आदित्य कॉरपोरेशन के नाम से हमने यहाँ पर एक एंट्री अभी पास की थी, उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं आपका वाउचर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ P और यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज इनवॉइस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर ओके करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करते हुए नंबर ऑफ कॉपी आप चाहें अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर एंटर करते प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आ जाना है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो इनवॉइस होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पार्टी का नाम, उसका एड्रेस, उसका GST नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपायरी डेट, ट्रांसपोर्ट वगैरह की डिटेल्स हमने यहाँ पर फिल नहीं की थी जो कि हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा GST नंबर हमें दिखाई देगा, यानी कंपनी का GST नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के अंदर आपका यहाँ पर आइटम का नेम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देना चाहूँगा और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं HSN कोड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी, यूनिट्स और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्राइस। IGST आप यहाँ पर देख सकते हैं 12% है। IGST अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,000 रुपये है। टोटल अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 28,000 रुपये है। नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं 5% का आपका यहाँ पर डिस्काउंट है, जो कि यहाँ पर 1,400 रुपये माइनस होने के बाद आपका जो टोटल अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है वो 26,600 रुपये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी आप यहां पर देख सकते हैं 1 पीसीस आपको यहां पर दिखाई दे रही है और यहां पर आप देख सकते हैं टैक्स रेट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, टैक्सेबल अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, GST अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है और टोटल टैक्स की वैल्यू भी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज वाउचर की एंट्री पास कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।